21 जुलाई को रविंदर और अमित हमारे कुछ जानवरों को लेके उनके रेगुलर चेकअप के लिए पालमपुर जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें कल्प शर्मा जी की कॉल आई। उन्होंने डॉली के लिए कॉल किया था, जो एक अबैंडन डैक्शन थी। डॉली के बारे में सुनते ही हमने उसे फौरन यहाँ लाने का फैसला कर लिया, जबकि पालमपुर हमारे दायरे के बाहर है। डॉली को डर्माटाइटिस था, जिसके लिए उसे मेडिकेटेड बाथ्स और निरंतर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत थी। जब हमने ये सब करना शुरू कर दिया तो उसकी त्वचा धीरे धीरे बेहतर होने लगी और 1.5 से 2 महीने में वो पूरी तरह ठीक भी हो गई। डॉली जैसे अबैंडन पेट्स के लिए हमें और भी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनको घर की आदत रहती है, उन्हें खाना मिलता है, सोने की जगह मिलती है, घर वालों से प्यार भी मिलता है। लेकिन जब अचानक से उनसे ये सब चीज़ें छिन जाती हैं और वो सड़क पे आ जाते हैं, तो उन्हें सर्वाइव करना बिल्कुल नहीं आता। ना उनको गाड़ियों से बचना आता है, ना ही खुद से खाना ढूंढना, और ये सब बयां भी ना कर पाना उससे भी बुरा। यही नहीं, अचानक से परिवार के छोड़ देने जाने से जो ठेस उनकी भावनाओं को पहुंचती है, वो शायद कुछ ही लोग समझ पाते हैं। फिजिकली तो डॉली ठीक हो गई, पर स्वभाव में वो अभी भी अग्रेसिव थी, क्योंकि सड़क पे छोड़ देने के कारण उसका इंसानों से विश्वास ही उठ गया था। तो अब डॉली का विश्वास जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जब भी वो किसी को देखती तो खूब ज़ोर से भौंकने लगती, जैसे कह रही हो कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरह धीरे धीरे ट्रीटमेंट्स और बात से उसकी त्वचा बेहतर हुई थी, वैसे ही समय के साथ उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा था। भले ही हम पर भरोसा करने में उसे वक्त लगा, लेकिन हमारी मेहनत आखिर में रंग लाई, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। कई बार कुछ चीज़ों को पूरी तरह ठीक करने में समय लग जाता है। हर एक दिन मुश्किल लगता है और ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति शायद कभी भी बेहतर नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हर दिन की मेहनत जोड़कर बहुत समय के बाद उस मेहनत का फल मिलता ही है। ऐसा ही कुछ हमें डॉली के साथ महसूस हुआ। पुणे से तुहिना जी ने उसकी तस्वीरें देखी और पलक झपकते ही डॉली को एक परिवार मिल गया। बाकी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन डॉली और उसके परिवार के लिए न्यू ईयर हैप्पी हो ही गया। शायद गुजरे हुए साल के साथ डॉली ने भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़ ही दिया।